हम ऑटोकैड में करेंगे दो तीन कमांडें, जैसे प्रेस पुल करेंगे, ठीक है, स्लाइस कमांड करेंगे, इंटरफेरेंस चेकिंग करेंगे और शेल कमांड करेंगे, सेपरेट कमांड करेंगे, ठीक है, चार पांच कमांडें करते हैं जो ऑटोकैड की 3D के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। इससे हमारा ना काम थोड़ा तेज तेज होने लग जाएगा। एक्सट्रूड से थोड़ा काम स्लो हो रहा था, तो वो काम प्रेस पुल से तेज होने लग जाएगा, स्लाइस से तेज होने लग जाएगा, वो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम बॉक्स कमांड लेते हैं, ये भी हमने करी तो ये भी कर लेते हैं साथ साथ ही। बॉक्स कमांड ली तो पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर चाहिए, अब आपको क्यूब बनाना है या लेंथ बनानी है। मैं कहा जी मुझे क्यूब बनाना है, ऑर्थो ऑन कर लेंगे तो ये सीधा रहेगा। कितने का क्यूब बनाना है, मैं कहा जी 100 का, 100x100 का क्यूब बनाना है। तो यहाँ से फ्री ऑर्बिट में घुमा के देखेंगे तो ये हमारा क्यूब बन गया। इसको शेड चेंज करके देख सकते हैं, शेड चेंज हो जाएगा, ठीक है, शेडेड विद एज कर दोगे तो एजेस भी साथ में नज़र आएंगे। हमने कैसे बॉक्स कैसे बनाया कि हमने बॉक्स कमांड ली, एक पॉइंट दिया, अब क्यूब की जगह मैं लेंथ ले लेता हूँ तो वो पूछ रहा है लेंथ कितनी, एक्स में कितना, मैं कहा जी 150, विड्थ कितनी, मैंने कहा जी मुझे विड्थ चाहिए 80 की, और हाइट कितनी, मैंने कहा जी मुझे हाइट चाहिए 150 की। तो ये उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा बॉक्स, ठीक है। अब हमने ये बॉक्स क्यों बनाया, ताकि हम इसको कर सकें शेल, ठीक है, पहले शेल करते हैं, इनको भी देखते हैं बाद में क्या क्या फ़ायदा होगा इनका। शेल कमांड ली, ध्यान से देखो इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कौन सा फेस रिमूव करना है, कोई एंटर नहीं, कुछ नहीं दबाना हमारे को, सीधा पूछ रहा है रिमूव फेस, कौन सा फेस रिमूव, मैंने कहा जी ये वाला। तो ध्यान से देखो उसका शेड चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया वन फेस फाउंड वन रिमूव्ड, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आता है टू फेस फाउंड थ्री फेस फाउंड या कोई नन तो गलत हो चुका है। हमने एक फेस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे वन फेस ही आना चाहिए, एंटर करेंगे, कितना ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने कहा जी 5 का, एंटर। तो ये शेल हो जाएगा जिसकी वॉल थिकनेस 5 5 5 की हो जाएगी, नीचे से भी 5, अगर मैं इसको वायर फ्रेम करके दिखाऊँ तो नीचे से भी 5 है, सारी साइड से 5 5, ऊपर वाला फेस हमने रिमूव कर दिया तो वो रिमूव हो गया। दोबारा से करते हैं, यहाँ शेडेड विद एज कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा नज़र आएगा। हमने कहा शेल करना चाहते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला नहीं किया, साइड वाला किया, एंटर। अब कितना डिस्टेंस देना, मैं कह जी मुझे 5 का वॉल थिकनेस देनी है, एंटर। तो ये 5 5 है, इसको कंसेप्चुअल कर लो, घुमा के देख सकते हैं हम, तो ये उधर से शेल हो गया, ठीक है। एक बार मैं एक कोई और चीज़ बना लेते हैं, हम सपोज करो मैंने बना लिया है वेज बना लेते हैं, ठीक है, वेज में क्या है फर्स्ट पॉइंट देना है, इसमें भी क्यूब पूछता है लेंथ पूछता है, मैं कहा जी क्यूब चाहिए मुझे, कितने की जी, मैंने 150 की, तो ये ऐसे क्यूब बन गई, ठीक है, तो ये वेज बन गई है। तो इसमें भी हम शेल कर सकते हैं, शेल लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कौन सा फेस रिमूव करना, मैंने कहा जी ये सामने वाला फेस, ठीक है, एंटर। कितनी थिकनेस, मैं कहा जी 5, जितनी मर्जी दे सकते हैं, जितनी वॉल थिकनेस देनी है उतनी हम थिकनेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी शेल हो गई। अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे शेल में चारों साइड सेम डायरेक्शन सेम थिकनेस नहीं चाहिए, मुझे एक साइड में थिकनेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, या नीचे से बॉटम में ज़्यादा चाहिए या कहीं से भी ज़्यादा चाहिए, तो दिक्कत हो गई क्योंकि इसमें तो बराबर आएगी। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास प्रेस पुल, तो प्रेस पुल कमांड लेंगे तो जिस फेस पे क्लिक कर देंगे तो वो थिकनेस बढ़ने लग जाएगी, या वैल्यू देखें, हाँ जितनी वैल्यू भर देंगे, मैंने 5 भर दी तो ये अब 10 की टोटल थिकनेस होगी, ठीक है ना। हाँ। जिस फेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, प्रेस पुल लिया, फेस सिलेक्ट किया और थिकनेस दे दी 15, तो वो 5 पहले थी, 15 हमने और दे दी, टोटल 20 की थिकनेस हो गई। तो यानी मल्टीपल थिकनेस देनी हो तो हम प्रेस पुल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है मुझे अंदर वाली ही थिकनेस देनी है, मैं वो जो उस फेस को सिलेक्ट कर लूँगा वो फेस बढ़ने लग जाएगा। कितनी वैल्यू चाहिए, मैंने कहा जी 25, तो 25 और बढ़ गया, जितना वो था
उसके बाद 25 और बढ़ गया वो, ठीक है कि नहीं। तो शेल में मोस्टली हम जानते थे कि भी सेम थिकनेस कैसे आएगी। अब हमारे को ये भी पता है कि अगर मल्टीपल थिकनेस देनी हो, मतलब एक साइड और देनी है दूसरी साइड और देनी है, तो वो कैसे देंगे, ठीक है। हाँ, प्रेस पुल से कर सकते हैं। प्रेस पुल का एक और फ़ायदा ये है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, ठीक है, तो प्रेस पुल कमांड लेके मैं ये वाला रीजन को अलग से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली तो मैं इस पोर्शन को अलग से एक्सट्रूड कर सकता, मतलब ना मुझे रीजन करना पड़ा, ना मुझे चारों साइड लाइन लगानी पड़ी, ना मुझे कोई और काम करना पड़ा। मैंने जस्ट प्रेस पुल कमांड ली और जिस भी फेस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये प्रेस पुल का फ़ायदा हो गया कि मैंने जस्ट, अगर मैंने सर्कल मार लिया, मान लो अब देखो मैंने यहाँ पे सर्कल मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फेस यू से लेके ये फेस सेलेक्ट कर लेंगे, ये फेस सेलेक्ट किए, एंटर किया, आया नहीं, तो ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो हम थ्री पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट एक्स की डायरेक्शन, थर्ड पॉइंट वाई की डायरेक्शन, ठीक है। जब भी कंप्यूटर में कुछ ना हो तो उसके साथ जीतना नहीं है। जस्ट अब हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट प्रेस पुल कमांड लेनी है और इस फेस पे क्लिक करना है, तो ये प्रेस पुल होने लग जाएगा। और ये सिंगल एंटिटी है, एक्सट्रूड जब हम करते थे तो वो दो अलग अलग एंटिटी बन जाती थी, बाद में हमारे को यूनियन करना पड़ता था, तो इसमें हमारे को यूनियन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें हमारे को यूनियन भी नहीं करना पड़ा और वो सिंगल एंटिटी बनी है। और एक्सट्रूड जब हम करते थे तो हमारा स्केच ख़त्म हो जाता था, अब इसमें स्केच भी बाकी रह गया, हमारे पास स्केच भी पड़ा हुआ है जो हमने स्केच बनाया, ठीक है ना। अगर मैं इसको साइड में करके दिखाऊं तो जो लाइन हमने लगाई थी वो लाइन भी है यहाँ, ठीक है। तो यानी प्रेस पुल से फ़ायदा एक ये हो गया कि हमारा जो स्केच है वो भी बचा रह जाता है, ठीक है कि नहीं। देखो स्केच वहीं का वहीं है, ठीक है, तो यानी हमारी लाइन डिलीट नहीं होती, तो एक फ़ायदा ये हो गया। यहाँ पे एक हमने कमांड की थी कलर फेस, कलर फेस से क्या होता है, जो भी फेस को मैं सिलेक्ट करूँगा, कलर फेस लिया, फेस सेलेक्ट, ये फेस सेलेक्ट, एंटर, और जो कलर देना चाहते हैं हम वो कलर दे सकते हैं। अगर इसको रियलिस्टिक में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। कलर फेस लो, जो फेस हमारे को चाहिए जिसको हम कलर करना चाहते हैं, बस आंखें खोल के क्लिक करना है आपने, तो वो हमारे को सही से नज़र आएगा। ठीक है, एक हमने कमांड करना चाह रहे थे स्लाइस, इसको थोड़ा सा मूव करके इधर कर लेता हूँ नज़दीक, कमांड करनी स्लाइस। स्लाइस के लिए कोई और चीज़ बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। स्लाइस का मतलब क्या होता है भाई, हमारे को कोई चीज़ को काटना है, काटना कहाँ से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, मैं कहा जी मुझे यहाँ से काटना शुरू करना है, कहाँ तक काटना है, मैं कहा जी यहाँ तक काटना है, और नीचे कहाँ तक जाना है, मैंने कहा जी यहाँ तक जाना है। तो स्लाइस लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, यहाँ से थ्री पॉइंट कमांड ले लेनी है, पहले फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया और थर्ड पॉइंट, कौन सी साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए या ये वाली साइड चाहिए, मैं कहीं यानी हमारे को तीन पॉइंट देने, तो उसके अकॉर्डिंग वो कट जाएगा। दोबारा करते हैं, अंडू कर रहा हूँ, शेडेड विद एज में स्लाइसली, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, फर्स्ट यहाँ से काटना शुरू करना है, थ्री पॉइंट यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, ठीक है। थ्री पॉइंट नहीं लेंगे तो कमांड ख़त्म हो जाती है, तो थ्री पॉइंट जरूर लेना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, थ्री पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर वो पूछ रहा है चौथा पॉइंट कौन सी साइड चाहिए। अगर हम की बोथ साइड कर देंगे तो दोनों साइड बच जाएंगी, मैंने कहा नहीं मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो इधर वाली हट गई, उधर वाली,
अगर हम कीप बोथ साइड कर देते हैं, थ्री पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और कीप बोथ साइड, तो दोनों साइड रहेंगी। अब ये अलग हो गई, वो अलग हो गई, इन दोनों को हम अलग अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो स्लाइस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर थ्री पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, कौन सी साइड चाहिए? मैंने कहा ये नीचे वाली साइड चाहिए, तो उसने उसके पोर्शन को काट दिया। स्लाइस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर थ्री पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, कौन सी साइड चाहिए? मैंने कहा जी मुझे नीचे वाली साइड चाहिए। अलग कर देखो, अलग ही है ये तो, काट दिया ना ऊपर से, इसको मूव कर दो। ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं, कलर फेस कमांड लेके हम इसको कलर कर सकते हैं। यहाँ पे रियलिस्टिक कर दो और फिर कलर फेस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है, बात समझ में। तो हमारे को प्रेस पुल भी समझ आ गया, हमारे को शेल कमांड भी समझ आ गई, स्लाइस भी समझ आ गई, और बॉक्स और रिब भी की, बाकी की भी हम करेंगे। ठीक है, पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ करके देखेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो शेल कमांड की भी प्रैक्टिस करनी है, प्रेस पुल की भी प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से इसकी डायमेंशन भी दे सकते हैं। हाँ, सारा कुछ कर सकते हैं, डायमेंशन है इसके अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, डायमेंशन के लिए अलग से वीडियो बनाए।